Next. Three boys step off together from the same spot. Their steps measure this, this, and this. What is the minimum distance each should cover so that all cover the distance in complete steps? मैंने आपको बताया था minimum word जहाँ पर भी आ गया. That means you have to calculate LCM. Okay? So LCM calculate करने के लिए मैंने आपको जो formula है, जो technique हम इस्तेमाल करते हैं वो मैं बता देती हूँ. सपोज सेम हम करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. सपोज हमने 12 जैसे कि पहले भी निकाला था, तो 2 × 2 × 3 और 6 हमने निकाला था 2 × 3. हम क्या करते हैं, जो पहले कॉमन है उनको तो एक एक दफ़ा लिखेंगे. सो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 लिखेंगे और 3 भी लिखेंगे. अब जो बच जाएगा उसको एक एक बार लिख देंगे. तो यहाँ पर 2 बच गया तो इसको एक बार लिख दिया और प्रोडक्ट कर दिया. तो 2 × 3 × 2 मतलब होता है 12. 12 हो गया यहाँ एलसीएम. अनदर मेथड जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो है डिवीजन मेथड. सबसे पहले हमें ऐसा कोई नंबर देखना है जो या तो पहले नंबर को डिवाइड करे या दूसरे नंबर को डिवाइड करे या दोनों को डिवाइड करे. अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम 2. तो 2 इन दोनों को डिवाइड करता है. यहाँ पर दो प्राइम फैक्टराइजेशन साइमल्टेनियसली चल रही हैं. ओके, सो 2 12 को 6 टाइम्स डिवाइड करेगा और 6 को 3 टाइम्स. ओके, अब अगेन इनमें से एक नंबर ऐसा है जो अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है. सो 2 × 3 = 6 and 3 = इसको एज इट इज़ हमने कॉपी कर लिया. ओके, नाउ ऐसा कोई नंबर, अब 2 तो इज़ नॉट यूजफुल हियर, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारा प्राइम फैक्टर में 3. अब 3 से ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर, तो 3 × 1 = 3 और 1 = 3. तो यहाँ पर भी जब 1 आ जाता है देन वी टर्मिनेट और फिर ये सारे जो डिजिट्स आपको दिख रहे हैं इन सब का हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं एंड वी गेट आर एलसीएम. सो ये टेक्निक होती है टू फाइंड आउट. सो यहाँ पर भी सेम टेक्निक यूज़ करी है. यहाँ पर 72 से डिवाइड हो रहा है, सो 2 × 35 = 70 और बाकी सब एक एज इट इज़ कॉपी करें. नाउ अब 2 से कोई नंबर यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, सो इट्स यूजलेस. अब हम आते हैं 3 पे. 3 से 63 तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 35 और 77 नहीं हो रहा है. बट स्टिल जब तक एक नंबर भी डिवाइड होता है वी कीप ऑन डूइंग इट. तो 3 21 और 31 और 77 एज इट इज़. अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 = 21, अदर्स एज इट इज़. अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 5, क्योंकि अब 3 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है तो कमिंग टू 5. 5 से 35 डिवाइड हो रहा है 7 से, सो अदर्स आर कॉपीड. अब 7 से डिवाइड हो रहा है 1 × 1 = 11. अब यहाँ पर तो 1 1 आ गया बट यहाँ भी 11 बचा है, तो अब हम 11 क्योंकि खुद ही एक प्राइम नंबर है तो उससे डिवाइड कर देंगे. बाकी सब एज इट इज़ एंड 11 × 1 = 11. तो इन सब का हम प्रोडक्ट निकालेंगे एंड वी गेट द मिनिमम डिस्टेंस और हम स्ट्रेट अवे सेंटेंस को कॉपी कर लेंगे एंड वी राइट. तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, सबसे कम ऐसा डिस्टेंस क्या है जो हम कवर करें सो दैट सारे लोग उस डिस्टेंस को कवर कर पाए. ओके, क्योंकि स्टेप्स ले रहे हैं वो, तो ऐसा कौन सा डिस्टेंस आएगा फ्यूचर में जहाँ पर सारे ही लोग एक पोजिशन पे होंगे. ओके,